हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक्सेल में क्या खास है आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक यूनिक ईमेल आईडी जनरेट करना है, ठीक है। और वो नेम के बेस पे होगा, तो जो भी यूनिक आईडी जनरेट होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे होगी, नेम के बेस पे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों नेम यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बेस पे होगी। तो यहाँ पे कॉन्केटिनेट नाम का एक फंक्शन लगाएंगे जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाइए, फिर सेकंड वाले को सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ फंक्शन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लीजिए रैंड बिटवीन, तो यहाँ पे लिखा आर ए एंड रैंड, जैसे लिखते हैं रैंड तो रैंड एरे रैंड बिटवीन और रैंड नाम का सारा फंक्शन डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कोई एक नंबर मैं डाल लेता हूँ लाइक इस तरीके से, और यहाँ पे लास्ट नंबर भी डाल लेता हूँ और इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ लगाना है कॉमा, डबल डॉटेड कॉमा में लिखना है @gmail.com, @gmail.com, जिसपे भी आप बनाना चाहते हो, जैसे मैं जीमेल पे ही बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे डबल डॉटेड कॉमा के अंदर हमने टाइप भी कर दिया है @gmail.com, जिसपे भी आप बनाना चाहते हो। यही नहीं, अगर आप रेडिफ पे बनाना चाहते हो रेडिफ लिख दीजिए, याहू पे बनाना चाहते हैं yahoo.com लिख दीजिए, जिसपे भी आप बनाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। तो एंटर जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से एक रैंडम जो है ईमेल आईडी जनरेट हो गई है और यहाँ से ये चेंज भी होती रहेगी। यहाँ से इसको ड्रैग कर दीजिए और ड्रैग करने के बाद क्या करना है आपको, आप देखेंगे कि पहला इसका जो कैरेक्टर आ रहा है वो कैपिटल में आ रहा है, जबकि ईमेल आईडी में सब स्मॉल में होता है। तो आपको F2 प्रेस करना है और F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पे लोअर फॉर्मूले को यूज कर लेना है। तो बस लोअर यूज कर लीजिए, काम हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट को बस क्लोज भर कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिए, सब लोअर में हो जाएगा, यहाँ से ड्रैग करवा दीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए सारा कुछ लोअर में हो चुका है, लेकिन हाँ ये रैंडमली चेंज होता रहेगा, आप इसको फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करना आसान है, यहाँ पे जाइए कॉपी कीजिए, देन यहाँ से जाके और ये जो है ना इसे वैल्यू बना दीजिए। तो बस जैसे ही वैल्यू बनाएंगे फिर ये अब दोबारा चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ओके,